हिंदी साहित्य टीवी पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं विकारी शब्दों में विशेषण शब्द को। तो चलिए सबसे पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं। ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बतलाते हैं वे विशेषण शब्द कहे जाते हैं। उदाहरण के लिए नीला आकाश, इसमें नीला क्या है? विशेषण है। क्यों? क्योंकि आकाश जो संज्ञा है उसकी विशेषता बतला रहा है। इसी प्रकार छोटी लड़की, इसमें छोटी जो शब्द है वो विशेषण है। आगे है कुछ पुस्तकें, तो कुछ पुस्तकें में कुछ जो शब्द है वो क्या है? विशेषण है। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं विशेषण के प्रकार। हिंदी में विशेषण के मुख्य रूप से 5 प्रकार हैं, जो कि इस प्रकार हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण तथा व्यक्तिवाचक विशेषण। तो चलिए अब इन्हें अच्छे से समझ लेते हैं। सबसे पहले है गुणवाचक विशेषण। ऐसे शब्द जिनसे संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, स्वभाव, दशा आदि का बोध होता है वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण के लिए मेरा घर पुराना है, तो यहाँ पर जो पुराना शब्द है वो क्या है? गुणवाचक विशेषण है। क्यों? क्योंकि मेरा जो घर है इसका गुण या दोष बता रहा है। इसी प्रकार यह कलम लाल है, तो इस वाक्य में लाल जो शब्द है कलम का रंग बता रहा है, अतः ये गुणवाचक विशेषण होगा। इसी प्रकार गुड़ मीठा है, वाक्य में मीठा शब्द गुड़ का गुण बता रहा है, अतः मीठा शब्द क्या है? गुणवाचक विशेषण है। आगे बढ़ते हैं संख्यावाचक विशेषण। ऐसे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द की निश्चित अनिश्चित संख्या, क्रम या गणना का बोध कराते हैं वे संख्यावाचक विशेषण कहे जाते हैं। इसके दो प्रकार होते हैं। पहला है निश्चित संख्यावाचक विशेषण, इसमें 4 प्रकार के विशेषण शब्द आते हैं। पहला है गणनावाचक विशेषण, जिनकी गिनती की जा सके, जैसे कि 1, 2, 3 आदि। आगे है क्रमवाचक, जैसे कि पहला, दूसरा, तीसरा आदि। इसी प्रकार आवृत्तिवाचक, जैसे 2, 4। आगे है समुदायवाचक, जिसमें 2, 3, 4 इस प्रकार के शब्द आते हैं। अब देखते हैं अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, इसमें कई, कुछ, सब, बहुत, थोड़ा इस प्रकार के शब्द आते हैं, जिनकी कोई निश्चित संख्या नहीं होती है। इस प्रकार के शब्द अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं परिमाणवाचक विशेषण। ऐसे विशेषण जो किसी पदार्थ की निश्चित अनिश्चित मात्रा, परिमाण, नाप या तोल का बोध कराते हैं वे परिमाणवाचक विशेषण कहे जाते हैं। ये भी 2 प्रकार के होते हैं। निश्चित परिमाणवाचक, इसमें 2 मीटर, 5 किलो, 10 लीटर आदि इस प्रकार के शब्द आते हैं। आगे हैं अनिश्चित परिमाणवाचक, जिसमें थोड़ा, ज्यादा, कम, अधिक, बहुत, जरा सा, सब इस प्रकार के शब्द आते हैं। आगे बढ़ते हैं संकेतवाचक विशेषण। ऐसे सर्वनाम शब्द जो विशेषण के रूप में किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताते हैं वे संकेतवाचक विशेषण कहे जाते हैं। उदाहरण के लिए उस पुस्तक को मत पढ़ो, वाक्य में उस जो शब्द है क्या है? एक सर्वनाम शब्द है, जो कि यहाँ पर विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है, क्योंकि यह पुस्तक की विशेषता बता रहा है, अतः उस जो शब्द है संकेतवाचक विशेषण है। इसी प्रकार इस गेंद को मत फेंको, इस वाक्य में इस जो शब्द है संकेतवाचक विशेषण है। आगे बढ़ते हैं व्यक्तिवाचक विशेषण। ऐसे विशेषण जो व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनकर अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताते हैं वे व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण के लिए कश्मीरी सेब, यहाँ पर कश्मीरी जो शब्द है वो कश्मीर से बना है, जो कि सेब की विशेषता बतला रहा है, अतः ये कश्मीरी जो शब्द है वो क्या है? व्यक्तिवाचक विशेषण है। इसी प्रकार बनारसी साड़ी में बनारसी जो शब्द है ये व्यक्तिवाचक विशेषण है।